साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें और हमेशा पॉजिटिव रहें। दोस्तों राहु और केतु ये दो ग्रह ऐसे हैं जो छाया ग्रह हैं, ठीक है। अगर ये जिस भी जातक के राहु और केतु ग्रह यदि अशुभ फल दे रहे हैं तो दोस्तों उसकी जिंदगी टोटल बर्बाद हो जाती है, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इनकी जो समय की अवधि होती है किसी भी राशि में 1 साल 6 वर्ष की कही गई है, मतलब कि 1.5 साल करीब ये किसी भी एक राशि में रहते हैं। और जिस भी राशि में रहते हैं तो उसको हमेशा छेड़ते रहते हैं, परेशान करते ही रहते हैं, जातक चारों तरफ से त्रस्त हो जाता है। दोस्तों इनके जाप जो होते हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब कि 18,000 की संख्या में इनके जाप होते हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा इनका जाप कराया जाता है और साथ में बहुत बड़े बड़े इनके दान होते हैं और दशांश हवन होता है। तो इनकी पूजा दोस्तों एक आम व्यक्ति के लिए करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसे छोटे से उपाय दिए गए हैं जिनके द्वारा आप इन ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं। अगर ये ग्रह अनुकूल हो जाते हैं तो जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है, मतलब जो परेशानियां लगी रहती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो मैं एक छोटा सा उपाय बताऊंगा। ये उपाय दोस्तों कलयुग है, कलयुग में यदि कोई उपाय किए जाते हैं अगर किसी ज्योतिष शास्त्र के तो बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे तो कहा गया है कि इसको 7 बार किया जाए, लेकिन आप एक ही बार यदि इस उपाय को कर लेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको करना है इसको सोमवार के दिन में है, आप शुक्रवार के दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन विशेष माना गया है कि सोमवार के दिन यदि इस प्रयोग को करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, प्रातःकाल यानी कि सुबह में इस प्रयोग को आप करेंगे। आपको एक काला कपड़ा लेना है, ठीक है, काला कपड़ा थोड़ा बड़ा ले लें, और 7 प्रकार का अनाज 1.25 kg यानी कि 1.25 किलो, ठीक है। अब 7 आपको तौलना नहीं है, एक अंदाजा से कि 1.25 किलो हो जाए, मुट्ठी मुट्ठी पर 7 प्रकार के अनाज ले लें और आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लें ये 1.25 किलो करीब हो गया होगा। आप इसमें चने की दाल ले सकते हैं, उड़द की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, तिल ले सकते हैं, काली तिल, सफेद तिल, ऐसे आपको 7 प्रकार के अनाज काले कपड़े में एकत्रित कर लेने हैं, ठीक है। जब 7 प्रकार का अनाज आपका इकट्ठा हो जाता है तो कुछ भी अपनी यथाशक्ति आप जो भी कर सकते हैं, दान 51 रुपए, 101 रुपए या 501 रुपए, दोस्तों यथाशक्ति रखनी है आपको, 21 रुपए भी रख सकते हैं, 11 रुपए भी रख सकते हैं, आपको मन मार के पैसे उसमें नहीं डालने हैं। दक्षिणा आप रखेंगे तो अपनी यथाशक्ति, आपका मन जो गवाही दे उतनी दक्षिणा उसमें आप रख देंगे, ठीक है। सोमवार की प्रातः इस प्रयोग को आपको करना है। उसके बाद में इसकी आप पोटली बांध लें, ठीक है। घर का ये प्रयोग दोस्तों अगर जो मुखिया होगा, मतलब कि जिसकी इनकम से घर चल रहा है, वो यदि करता है तो और भी बेस्ट है ना। तो इसकी पोटली बांध करके, और आपको क्या करना है, आप पहले जो मुखिया होगा अपने तरफ से 7 बार क्लॉकवाइज इस पोटली को उबार लेगा, उसके बाद में घर के सभी मेंबर्स को इकट्ठा करके और 7 बार उनके ऊपर से उबार लेना है, ताकि सभी की ग्रहों की, इन दोनों ग्रहों की सभी के लिए शांति हो जाए। अब उसी समय आपको जब उबार लेते हैं तो इस पोटली को उठा करके आपको किसी शिव मंदिर जाना है, ठीक है। शिव मंदिर में जाने के बाद में अगर वहां पर कोई पुजारी वगैरह है, ठीक है, तो हो सके तो वहां से रुद्री पाठ करवा दें, उनको कुछ दक्षिणा दे दें और रुद्री पाठ करवा दें। और यदि कोई पंडित वगैरह नहीं है तो आप खुद बैठ करके, अगर रुद्राक्ष की माला मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो 1008 बार आप ओम नमः शिवाय का जाप कर लें, ठीक है, ओम नमः शिवाय का 1008 बार जाप कर लें। उसके बाद में पोटली को वहां पर रख, पहले पोटली रख दें, उसके बाद में जाप करें बैठ के, और फिर पोटली को आपको खोल देना है। फिर एक मुट्ठी अनाज और दक्षिणा आपने रखी हुई थी, इन दोनों को शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है, बस इतना आपको करना है। और बाकी का जो अनाज बचेगा, तो दोस्तों अनाज जो कच्चा होगा तो आपको गौ माता को खिलाना है, तो आप क्या करें, उसको घर ले आए, घर लाके उसको फुला दें, मतलब पानी वगैरह डाल दें किसी पात्र में, और जब वो फूल जाता है तो किसी गौशाला में या फिर किसी गाय को, ठीक है, आप इस पूरी सामग्री को आप खिला दें। एक बार प्रयोग करने से दोस्तों इसका रिजल्ट चमत्कारिक रूप से आता है, लेकिन अगर आप इसको 7 सोमवार कंटिन्यू कर लेते हैं तो जिंदगी में कभी भी आपको राहु केतु की दशा कभी भी नहीं सताएगी। आप इस प्रयोग को करते समय राहु केतु भगवान से, ग्रहों से ये विनती भी कर सकते हैं कि आपकी कोई मनोकामना है या कोई आपकी परेशानी जो दूर हो जाए, तो ये विनती भी आप कर सकते हैं कि ये मेरी परेशानी दूर हो जाए और मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा हो। 7 सोमवार यदि आपने कंटिन्यू कर लिया दोस्तों, तो सोने पर सुहागा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा।
क्योंकि राहु जिस पर मेहरबान हो जाते हैं दोस्तों, अचानक अचानक से परिस्थिति को सुधार देते हैं, खुशियां दिलवाते हैं, धन पैसा ऐश्वर्य दिलवाते हैं, और राहु जिस पर बिगड़ जाते हैं वो हमेशा कुसंगति में पड़ जाता है। तो ये छोटा सा ज्योतिष शास्त्र का प्रयोग है दोस्तों, आपको बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की जरूरत नहीं है, जाप कराने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े दान करने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े स्टोन पहनने की जरूरत नहीं है, बड़ी पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटा सा प्रयोग कर लीजिए। और दोस्तों इसके साथ में एक चीज हमेशा याद रखें कि राहु केतु की दशा उस व्यक्ति पर कभी नहीं सताती है जो महादेव के उपासक होते हैं। राहु केतु हमेशा उस व्यक्ति से, जातक से डरते हैं जो महादेव के उपासक होते हैं। तो आप अगर हो सके तो नित्य प्रति 11 बार महामृत्युंजय का जाप करें अपने घर में, अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने, नहीं तो शिव शक्ति की एक फोटो स्थापित कर लें और नित्य प्रति महामृत्युंजय का जाप करें। दोस्तों महामृत्युंजय का जाप करने से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं टल जाती हैं, बड़ी बड़ी परेशानी आने से पहले ही टल जाती हैं। तो होश, और साथ में राहु केतु ग्रह है, ये आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये प्रयोग मैंने बताया है, आप एक बार भी कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं, लेकिन महामृत्युंजय का जाप यदि आप डेली करते हैं तो आप देखेंगे कि राहु केतु की कोई भी प्रतिकूल दशा या कोई भी ऐसा दुष्प्रभाव आपको जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि जो भी महादेव के उपासक होते हैं उस पर राहु केतु कभी भी अपना कुप्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो छोटा सा प्रयोग करके देखिए दोस्तों, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।